Your Excellency. Your Excellency. Pradhan Mantri Giuseppe Conte ji. Prime Minister Giuseppe Conte. Cabinet mein mere sahyogi. My cabinet colleague, Mr. Dr. Harshvardhan ji. Tech summit mein maujood. Technology ki duniya se jude. Bharat. Aur Italy ke. At the tech summit today. Sabhi saathi. Devi aur sajano. Ladies and gentlemen. Namaskar. Good afternoon. Ciao, come stai? Ciao, como stai? Italy se yahan aaye sabhi atithiyon ka vishesh roop se very special and warm hardik swagat hai to all the guests who are here from Italy. Benvenuto in India. Benvenuto in India. फ्रांस से 24वां टेक समिट है. इस समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में इटली की भागीदारी और साथ ही प्रधानमंत्री कोंते जी की गरिमामय उपस्थिति ये हमारे लिए गर्व का विषय है. यहाँ आने से पहले अपनी आधिकारिक मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री श्री कोंते जी के साथ मेरी विस्तार से चर्चा हुई है. भारत के साथ संबंधों के प्रति उनका उत्साह, उनकी प्रतिबद्धता मैंने खुद अनुभव की है. ये साल हमारे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और इटली के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 70वां साल. इसी साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे सहयोग को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री कोंते जी की भारत यात्रा का एक अलग ही महत्व है. फ्रेंड्स, वो समय है जब टेक्नोलॉजी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है. आज करीब करीब हर व्यक्ति का जीवन टेक्नोलॉजी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है. पिछले कुछ वर्षों में तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि एक टेक्नोलॉजी का प्रभाव समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे उसके पहले ही उससे बेहतर टेक्नोलॉजी बाजार में मौजूद हो जाती है. ऐसे में सभी देशों के सामने बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ चलने की चुनौती है तो अनेक नए अवसर भी हैं. भारत ने तो टेक्नोलॉजी को सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, समावेश, सक्षम सरकारी तंत्र और पारदर्शिता का माध्यम बनाया. सरकारी सेवाओं की प्रभावी लास्ट माइल डिलीवरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है. विशेष तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी उसका एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है ताकि सामान्य जन को और आसानी से सुविधाओं का लाभ मिल सके. टेक्नोलॉजी को हम ईज ऑफ लिविंग का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं. फ्रेंड्स, आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में से एक भारत में चल रही है. सरकारी मदद सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है. बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर बुढ़ापे की पेंशन तक की अनेक सुविधाएं आज ऑनलाइन है. 300 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं को उमंग ऐप के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. डिजिटल पेमेंट आजकल करीब 250 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रति माह की रफ्तार से बढ़ रहे हैं. देश भर में
3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर से गांव गांव में ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है। पिछले 4 वर्षों में भारत में 1 GB डेटा की कीमत 90% से ज्यादा तक कम हुई है। भारत में ये सस्ता डेटा देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। फ्रेंड्स, भारत अब आईटी सॉफ्टवेयर पावर की अपनी पहचान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम भारत में साइंटिफिक टेंपर से टेक्नोलॉजिकल टेम्परामेंट विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से स्कूलों में इनोवेशन के लिए, भविष्य की तकनीक के लिए टेम्परामेंट विकसित किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देश भर में ऐसे युवाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो चौथी औद्योगिक क्रांति का मजबूत स्तंभ बन सकेंगे। सरकार के इन तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम 21 स्थान पर ऊपर पहुंचे हैं, आगे आ गए हैं। इसके अलावा आज दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। भारत में जो इनोवेशन हो रहे हैं उसमें क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसका बेहतरीन उदाहरण है और इसकी सफलता तो इटली में भी और इटली के साथ काम कर इटली ने भी उसको महसूस की है। आज भारत इटली समेत दुनिया के अनेक देशों के सैटेलाइट बहुत कम खर्च पर, एक प्रकार से कहूंगा मामूली खर्च पर, अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का लाभ घर घर तक पहुंचाने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। साथियों, आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की चर्चा कर रही है तब भारत और इटली की प्राचीन सभ्यताओं के बीच साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग को मजबूत करना ये नए अवसर बनेंगे, बल्कि चुनौतियों का सामना भी हम प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का विशाल डोमेस्टिक मार्केट, युवा जनसंख्या, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इकोसिस्टम साथ मिलकर दुनिया की ग्रोथ का एक ताकतवर इंजन सिद्ध होने वाला है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इटली के पास भी समृद्ध विरासत है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इटली का नाम उत्तम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसलिए भारत और इटली साथ मिलकर हाई क्वालिटी रिसर्च में अपना सहयोग और अधिक मजबूत कर सकते हैं। इस सहयोग के माध्यम से हम वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए साझा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, पर्यावरण स्वच्छ बनाने, मानव कल्याण के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग मजबूत करना पहले की तुलना में सर्वाधिक आवश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों देशों का वैज्ञानिक समुदाय एवं बिजनेस लीडर्स मिलकर रिसर्च और इनोवेशन के कटिंग एज क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी,
एनवायरमेंटल साइंस, न्यूरो साइंस और आईटी से लेकर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में हमारा व्यापक सहयोग है। फ्रेंड्स, सहयोग के इस मार्ग को मजबूत करने के साथ ही हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परिणाम प्रयोगशालाओं तक ही सीमित न रहे, बल्कि इनका लाभ समाज जनता तक भी पहुंचे। इसलिए ही मैं हमेशा कहता हूं, साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी हैज टू बी लोकल। भारत में हमने अपनी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव यानी श्री SHRI की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रेस्टोरेशन के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान ढूंढना है। टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और हिस्ट्री तीनों का संगम इस पहल में दिखाई देता है। मुझे विश्वास है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर विकास की नई गति सुनिश्चित होगी। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही इस टेक समिट का उद्देश्य रहा है। मुझे विश्वास है कि बीते दो दिनों के दौरान समिट में हुई चर्चाओं में से दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ज्वाइंट वेंचर्स और मार्केट एक्सेस को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह समिट हमारे साझा भविष्य की चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स, आज भारत इटली द्विपक्षीय इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत की घोषणा करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इससे हमारे उद्योग और रिसर्च संस्थान बिना किसी बाधा के नए उत्पाद और प्रोटोटाइप विकसित कर सकेंगे। नो हाउ को समय की मांग है, शो हाउ में परिवर्तित हो सके। दोनों देशों में आर्थिक संबंध और मजबूत करने के लिए हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मार्गदर्शन में एक CEO फोरम का भी गठन हो। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच टू वे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए व्यापार करने में आ रही अड़चनों को भी दूर करने के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाने पर भी सहमति बनी है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत और इटली LED यानी लाइफस्टाइल एक्सेसरी डिजाइन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें भी लेदर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल डिजाइन यानी TED पर विशेष फोकस किया जाएगा। साथ ही मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि दोनों देश सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी, लाइफ साइंस एंड जियो हजार जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में कौशल पर आधारित इंडो इटालियन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करेंगे। इनसे न सिर्फ उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और उद्योग आपस में जुड़ेंगे, बल्कि हमारे सामने आ रही चुनौतियों का तकनीकी समाधान भी निकाला जा सकेगा। फ्रेंड्स, टेक समिट की सफलता में और उसकी सफलता के लिए मैं सभी आयोजकों को
हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इटली सरकार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक पार्टनर देश के रूप में जुड़ने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। टेक समिट के सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का योगदान और उपस्थिति इस समिट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री कोंते जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यही नहीं, उन्होंने भारत इटली की नई पार्टनरशिप के नवनिर्माण को अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता का अनमोल उपहार दिया है। ग्रासिए मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।